हेलो बच्चों, मैं सोनू जांगीड आपका नव भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 6 हिंदी में, जो कि बानो सरताज इसके लेखिका हैं। तो पहले हम उनका लेखिका परिचय हम पढ़ेंगे, उसके बाद में पाठ शुरू करेंगे। चलिए लेखिका परिचय पढ़ते हैं। बानो सरताज का जन्म महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक गांव में 17 जुलाई सन 1945 में हुआ। बचपन से ही लेखन में रुचि रही, विशेषकर बच्चों के लिए लेखन किया। इनकी शैक्षणिक योग्यता एमए और एमए बीएड थी। प्रमुख कृतियां हैं इनकी जंगल में मंगल, एक घूंट जहर, भीख तथा अन्य कहानियां, तीसरे रास्ते के मुसाफिर, 30 एकांकी 41 बाल कहानियाँ, हीना के रंग और मैं आभारी हूँ। इस तरह की ये प्रमुख इनकी कृतियाँ हैं। तो बच्चों पहले हम पाठ शुरू करते हैं। क्या मैंने गलत कहा? ये एक हास्य एकांकी है। जैसे कि हम अप्रैल फूल मनाते हैं या मूर्ख दिवस जो कि अप्रैल में आते हैं, तो इस तरह से उसमें हम मजाक करते हैं एक दूसरे से। तो वही चीज़ आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें शिक्षिका और बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में जो मजाक होती है वो हम पढ़ेंगे। किस तरह से बच्चे अपनी टीचर को किस तरह से मजाक करते हैं, किस तरह की इसमें बातें होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र, अब इसमें पात्र कौन कौन से हैं वो देखेंगे। शिक्षिका और 8 स्कूली छात्र छात्राएँ, एक टीचर है और 8 छात्र छात्राएँ हैं, जिनका नाम क्या क्या है वो देखते हैं। पहले साधना, निधि, निशी, सूरज, शरद, शम्मी, साजन, शुभम और फिरोज, ये इनके छात्र छात्राओं के नाम हैं। और कहाँ कर रहे हैं ये? स्थान कहाँ है? कक्षा कक्ष में। अब देखिए पढ़ते हैं। पर्दा उठता है, कक्षा में बैठे विद्यार्थी आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, यानी आपस में बातें कर रहे हैं। उनके चेहरों से साफ शरारत झलक रही थी, उनके चेहरों पे शरारतें झलक रही थी। तभी एक तरुणी शिक्षा प्रवेश करती है, तभी उनकी टीचर आती है क्लास में और कहती हैं, जैसे कि क्लास में आने के बाद में विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते करते हैं। जैसे हम क्लास में बच्चे जब मैम जब आती हैं तो बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो इसी तरह से विद्यार्थी भी जब टीचर क्लास में आती हैं तो खड़े होकर नमस्ते करते हैं, कहते हैं कि नमस्ते मैडम। शिक्षिका बोलती हैं नमस्ते, बैठ जाओ, आज शनिवार है, महीने के प्रथम शनिवार को हमारा कौन सा पीरियड होता है, मतलब कि महीने के आखिरी में कौन सा शनिवार है, तो क्या पढ़ेंगे आज उसमें, तो वो पूछती है बच्चों से। तो उनमें से एक विद्यार्थी खड़ी होकर कहती है साधना, जिसका नाम है सामान्य ज्ञान, कि हम सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो टीचर कहती है गुड, तो तुम सब तैयार होकर आए हो ना। निशी, हाँ मैडम हम तैयार हैं। तो शिक्षिका क्या कहती है, मैं चाहती हूँ अभ्यास क्रम के विषयों के साथ ही तुम सामान्य ज्ञान की ओर भी ध्यान दो, मतलब कि तुम अपनी पढ़ाई भी करो और साथ में जीके पर भी ध्यान दो, अतिरिक्त अध्ययन करो, अभ्यास द्वारा ज्ञान को पक्का करो, हमें रिविजन करना चाहिए। साजन कहता है मैम से कि मैडम आज कौन सा विषय ले रही हो, कौन सा पढ़ाओगी आप, वो पूछता है। तो शिक्षिका यानी कि टीचर जो कहती हैं कि मैं भूगोल पढ़ाऊंगी, पिछले महीने भी मैंने यही विषय लिया था, दरअसल भूगोल मेरा प्रिय विषय है, यानी कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। बोर्ड पर जो लिखती हैं वो भूगोल और विषयांक लिखती है सामान्य ज्ञान, मतलब कि वो भूगोल सब्जेक्ट लिखती है और सामान्य ज्ञान उसमें वो पढ़ाती हैं। तो शिक्षिका पहला प्रश्न बच्चों से पूछती है कि पृथ्वी और चंद्रमा में क्या समानता है, तो साधना तुम बताओ। अब साधना खड़ी होकर क्या कहती है, पृथ्वी और समानता में क्या समानता है, तो साधना कहती है कि दोनों भाई बहन है। शिक्षिका आश्चर्य से बोलती है क्या? साधना, हाँ मैडम पृथ्वी हमारी माँ है और चंद्रमा को हम मामा कहते हैं, तो दोनों हुए ना भाई बहन, तो क्या ये गलत है मैम?
शिक्षिका सोचते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, कोई और समानता साधना, नहीं और कोई बात नहीं, और वो बैठ जाती है। शिक्षिका कहती हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा आकाशीय पिंड है, यानी कि आसमान के पिंड है, और यही समानता है दोनों में। अच्छा, दुनिया गोल है, इस दावे का सबूत पेश करो। कौन कहता है ये? शिक्षक। शिक्षिका कहती है बच्चों से कि दुनिया गोल है, इसका सबूत, दावे का सबूत पेश करो। तो कौन करेगा? सूरज, तुम। तो सूरज खड़ा होकर शीघ्रता से बोलता है कि मैंने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया मैडम। शिक्षिका कहती है, मैं कब कहती हूँ कि तुमने दावा किया, किसी ने तो किया ही होगा ना। सूरज, तो जिसने दावा किया है उसी से सबूत मांगिए ना मैम, यह क्या करे कोई और भरे कोई। कुछ रुक कर, वैसे क्या मैं गलती पर हूँ मैडम? मतलब कि वो कहता है कि करे कोई और भरे कोई, तो वो फिर मैम से पूछता है कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। शिक्षिका सोचते हुए कहती है, नहीं, कहते तो तुम ठीक ही हो, पर बैठ जाओ। बैठने के लिए कह देती हैं। अब निशी हाथ ऊपर करके पूछती है, जब बच्चों से मैम टीचर कोई बच्चों से सवाल पूछती है तो जब बच्चों को आता है वो हाथ ऊपर करते हैं, तो इसी तरीके से निशी ने भी हाथ ऊपर करके कहा, मैडम मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूं। तो शिक्षिका कहती हैं प्रसन्न होकर कि ओह श्योर श्योर, गुड गर्ल। निशी कहती है, नाक पर चश्मा ठीक करते हुए लय में कहती है, क्या कहती है कि चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो थाली भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो फुटबॉल भी गोल है, और चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है, और चश्मा लगाकर देखो तो दुनिया भी गोल है। अब टीचर क्या कहती है कि वाह क्या कहने निशी, यही हाल रहा तो परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल ही होंगे, चश्मा लगाकर देखना। ये क्या कहती हैं? टीचर कहती है। तो सारे जो विद्यार्थी होते हैं क्लास में वो हंसने लगते हैं। वैसे ये चश्मा लगाकर देखो क्या है? तो निशी अपनी रोनी सूरत बनाकर कहती है, मैडम जब से मुझे चश्मा लगा है ये लोग, यानी कि जो सहपाठी क्लास में बच्चे बैठे हैं उनकी ओर संकेत करते हुए कहती है कि मुझे चश्मे बुलबुल, एक लड़की चार आंखें और चश्मा लगाकर देखो कहकर चिढ़ाते हैं। तो मैंने भी बदला लेने के लिए चश्मा लगाकर देखो तकिया कलाम बना लिया, यानी कि मैंने भी उनको उनकी ही भाषा में उनको जवाब दिया, और बार बार बोलकर इन्हें बोर करती है। तो शिक्षिका क्या कहती हैं? निशी के पास उसकी पीठ थपथपाती हुए, जस्ट लाइक ए गुड गर्ल, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्प्रिट, तुमने जलने कुड़ने की बजाय इसे खेल खेल में लेकर बहुत ही अच्छा किया। बैठो, मतलब कोई तो बच्चे होते हैं कि चिढ़ जाते हैं इसी बात से, बच्चे चिढ़ाते हैं, पर उसने वो चिढ़ी नहीं, उसने भी जलने कुड़ने की बजाय खेल खेल में उनका लेकिन बहुत ही अच्छा किया, खेल खेल में उनका उनकी बातों का जवाब उसको दे दिया। तो साजन खड़ा होकर बोलता है, मैडम दुनिया गोल है, यह बात पक्की है ना? शिक्षिका, शत प्रतिशत। टीचर क्या बोलती है? 100%। साजन, तो फिर क्या आप सबूत क्यों मांग रही हो? आप कहती हैं, मेरे पिता कहते हैं, भूगोल की पुस्तक में भी लिखा है, क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं है? सोचिए तो, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या कहता है वो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि इतने सबूत तो हैं? शिक्षिका स्वागत, यानी कि शिक्षिका खुद से मन में कहती है, आज इन विद्यार्थियों को हुआ क्या है, मेरी क्या क्लास, मेरी क्लास लेने पर तुले हुए हैं ये तो बड़े ही आज्ञाकारी विद्यार्थी हैं। अब प्रकट में, यानी कि वो कहते उनको कहते हुए बोलती हैं, ओके आगे चलते हैं, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? शरद कहता है शीघ्र खड़ा होकर, घर से निकलती है और सब्जी मार्केट जाती है। शिक्षिका चकराकर, किस गंगा की बात कर रहे हो? शरद, हमारे ड्राइवर की पत्नी गंगा की, वह सवेरे घर से निकलकर सब्जी मार्केट जाकर सब्जियां लाती है और बेचती है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैडम? शिक्षिका, मैं गंगा नदी के बारे में पूछ रही हूँ, तुम बैठो, शम्मी तुम बताओ। शम्मी आंखें झपका कर कहता है, मैडम यह प्रश्न भूगोल का है या धर्म का? तो शिक्षिका बोलती है कि बोर्ड पर जहाँ लिखा भूगोल लिखा है उधर संकेत करके बोलती है कि देखो
क्या लिखा है यहाँ पे, भूगोल, तो भूगोल का ही हुआ ना। शमी दीर्घ श्वास लेकर बोलता है, तब ठीक है, गंगा नदी हिमालय से ही निकलती है। अब टीचर क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब यह भी बता दो कि यह प्रश्न यदि धर्म से संबंधित होता तो तुम्हारा क्या उत्तर रहता। तो शम्मी कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं उत्तर देती ही नहीं। शम्मी क्या कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो उत्तर ही नहीं देती। शिक्षिका कहती है, क्यों शम्मी? पापा कहते हैं बच्चों को धर्म वर्म के झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षिका, फाइन, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, पर शम्मी इस प्रश्न में तो कोई विवादास्पद बात ही नहीं है, तुम उत्तर दे सकती हो। शम्मी कहती है, शम्मी कहती है कि आप कहती तो ठीक है मैम, धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गंगा शंकर जी की जटाओं से निकलती है, क्या यह गलत है मैडम? शिक्षिका कहती है, नहीं, डाइस से नीचे उतरती है और विद्यार्थियों के पास में जाकर क्या कहती है, नहीं देखो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ो, खूब पढ़ो लिखो, तुम खूब नाम कमाओ, जिससे दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो जाए। क्या कहती हैं टीचर उनके बच्चों के पास में जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम खूब पढ़ो लिखो, जिससे कि दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो। अब साजन खड़ा होकर बात काटते हुए क्या कहता है कि मैडम अभी तो आप कह रही थी कि दुनिया गोल है, फिर गोल दुनिया के चार कोने कैसे हो सकते हैं? आपके इस विधान के अनुसार दुनिया तो चौकोर हुई। शिक्षिका सिर पकड़कर अपने आप से कहती है कि उफ, ये विद्यार्थी आज मेरी हर बात पकड़ रहे हैं प्रकरण में, यानी कि क्या कहती है वो पहले खुद से कि ये बच्चे तो आज मेरी हर बात को कैच कर रहे हैं, हर बात बोल रही हैं। अब उनसे कहती हुई कहती हैं कि दुनिया गोल ही है बच्चों, मेरी जबान फिसल गई बोलते बोलते। फिर बच्चे हंसने लग जाते हैं। शिक्षिका लौट कर कुर्सी पर जाती हैं बैठते हुए। अब प्रश्नों का सिलसिला समाप्त हुआ, लाओ एक एक करके ग्रह कार्य दिखाओ, मैंने भारत का नक्शा बनाकर लाने को कहा था। अब वो जो उन्होंने बातें हुई वो तो उसने वो खत्म करती हैं, प्रश्न सवाल जो किए उसको वहीं रोक के कहती हैं कि चलो प्रश्नों का सिलसिला अब खत्म हुआ, अब चलो एक 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 करके सब अपना ग्रह कार्य चेक कराओ। तो दिया था कि मैंने भारत का नक्शा बनाने के लिए कहा था, वो चेक कराओ। अब बच्चे क्या करते हैं कि दाहिनी ओर से एक एक करके दो विद्यार्थी कॉपी दिखाते हैं। शिक्षिका हस्ताक्षर करती हैं, मतलब कि टीचर बच्चे कॉपी चेक कराते हैं और वो मैम कॉपी चेक करती है। तो अब शिक्षिका क्या कहती हैं कि फिरोज अपनी कॉपी लाओ। फिरोज, मैडम मैंने नक्शा नहीं बनाया। फिर शिक्षिका कहती हैं, क्यों नहीं बनाया? फिरोज, परसों शिवाजी पार्क में भाषण देते हुए नेताजी बार बार बोल रहे थे कि हम भारत का नक्शा बदल देंगे, तो सो मैंने सोचा अभी बनाने से क्या लाभ, नया नक्शा ही बनाऊंगा, मैंने गलत तो नहीं किया ना मैडम? शिक्षिका हाथ जोड़कर कहती है, मैं हार गई, क्या आज तुम लोगों ने तय कर लिया है कि मेरे किसी प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं दोगे? क्या कहती है टीचर हाथ जोड़ के कि क्या तुमने सोच रखा है आज कि मेरे किसी प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं दोगे? तो सब छात्र मिलकर क्या कहते हैं, हाँ मैडम यही बात है। शिक्षिका, पर क्यों? छात्र, क्योंकि आज पहली अप्रैल है, यानी हंसते हुए, यानी कि आज 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस। शिक्षिका, ओ माय गॉड, हंसती हुई, अब मैं समझ गई तुम लोगों की शरारत। उठकर बोर्ड पर लिखती हैं अप्रैल फूल बनाया और हंसते हुए कक्षा से विदा लेती है, पर्दा गिरता है। अब वो टीचर क्या करती हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हैं कि अप्रैल फूल बनाया, वो लिखकर और हंसते हुए कक्षा से विदा लेती है। अब बच्चों ये तो था हमारा हास्य एकांकी, अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सबूत यानी कि प्रमाण, प्रूफ, तकिया कलाम यानी कि बात पे बात दोहराए जाने वाला शब्द, कुड़ना यानी कि मन ही मन खिंचना, जलन खिंचना या जलन होना, झंझट मुसीबत। तो ये था बच्चों हमारा पाठ हास्य एकांकी, और हम आगे आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।